गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज, जैसे कि आज संडे है और मेरी बेटी का बेटा 3 महीने का हो चुका है, तो उन्होंने कहीं घूमने का प्लान बनाया था, तो फिर हम जा रहे हैं सराहन। अपने घर से तो उससे पहले, सराहन जाने से पहले हम भुट्टी मंदिर में जाएंगे, क्योंकि वो बेटी की ही प्लानिंग है कि पहले इसे अपने मंदिर में ले आएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे भुट्टी मंदिर, ये वहाँ यहाँ का मेन गेट है और हम लोग तो पहुंच चुके, पर वो अभी आए नहीं है। सुबह इंतज़ार करना बहुत बुरा लगता है और हमें आधा घंटा हो गया है और वो पहुंचने वाले हैं और ये पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करने के बाद अब हम निकल चुके हैं और ये मैं दिखा रही हूँ आपको रास्ते का व्यू, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो चलिए देखिए फिर व्यू। पे ये समधी समधन जी हमें रास्ते में मिले हैं, ये सुबह नहीं आए थे, उस टाइम ये तैयार नहीं हुए थे। नेहा और रोहित जल्दी आ गए थे और ये तैयार हो रहे थे, ये हमें रास्ते में मिले हैं। और यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और उसके बाद बच्चा जाएगा अब इनकी गाड़ी में। तो इस तरह से चल रहा है हमारा सफ़र। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मन्नत नहीं मांगी है, ऐसे ही खुशी से जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए मंदिर। जय हो भी मकाली माँ। तो फिर बने रहिए हमारे साथ आप लोग भी, माँ काली मंदिर। चुके हैं मंदिर परिसर के अंदर और मैं दिखा रही हूँ आपको चारों ओर मंदिर के अंदर किस तरह के बने हैं। यहाँ पे ये सराय भी होगी इसमें, यहाँ पे जूते रखने को है पीछे,
काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये वीरभद्र जी का एरिया है। एरिया क्या है ये? भीमा काली माता उनकी कुछ खास है, और ये है मंदिर, और ये थोड़ा सा इस साइड को झुका लगता है, इधर को बोलते हैं कि मैन ये है, ये वाला, यहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी जाते थे, बाकी कोई और नहीं जाता है इस वाले में। और ये इधर को, और यहाँ पे हम बैठे हैं मंदिर से माथा टेकने के बाद, और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और ये मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ अच्छे से, मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये है यहाँ का पार्क, मैं आपको वो हर एक चीज़ दिखाऊंगी जो भी यहाँ पे है। मैं 10 साल पहले गई थी सरान, और उसके बाद अभी जा रही हूँ। उस टाइम यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था कि जितना कि अब यहाँ पे डेवलप किया गया है इस वैली को। और ये है यहाँ पे टूरिज्म वालों का होटल, उस टाइम नहीं था शायद। और यहाँ पे हम लंच करेंगे, और यहाँ पे काफ़ी देर लगती है, बट लंच बहुत अच्छा था। टूरिज्म वाले थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, तुम्हारे हाथ से ज़्यादा पता मैंने चल देखा जाएगा कौन है कौन है। जहाँ मैं भी गई, मैं इनके होटलों में, ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। और यहाँ व्यू तो देखिए आप, यहाँ पे लोगों ने कितने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं। बिल्कुल मुझे तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही अच्छी जगह है। ये है होटल का दूसरा भाग, पहली साइड मैं दिखा रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छे होटल्स बने हैं अब, 10 साल पहले इतना नहीं था, इतना डेवलप नहीं हुआ था ये एरिया, क्योंकि मैंने देखा था, और जितना 10 साल बाद फ़र्क है। और देखिए वापसी हो चुकी है। शाम के 6:30 बजे हैं, और
हमारी वापसी टाइम से हो चुकी है और आज का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा ऑल ओवर, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश भी नहीं हुई और बादल बादल था, ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो इसलिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया और हम टाइम से वापस पहुंच गए हैं घर। तो इस तरह से, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।